कुलदीप, आपके लिए एनएलपी व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? मतलब आप एनएलपी से क्या समझते हैं? एक्चुअली मेरा एनएलपी करने का मोटिव ये था कि मेरे को लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम थी, फोबियाज थे, मतलब कुछ डर थे। अभी एक्चुअली कुछ पास्ट में 1.5 ईयर अगो देर वॉज सम इंसिडेंट हैपन विद मी, उनके कारण थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में चला गया था। तो कुछ जॉब स्ट्रेस भी था, तो डिप्रेशन प्लस जॉब स्ट्रेस तो कंडीशन काफ़ी वियर्ड हो गई थी। तो मैं क्या था कि डॉक्टर के पास घूम रहा था कि मेरे कुछ लग रहा था कि मेरे मुझ कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि जिससे मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने मतलब चंडीगढ़ से, दिल्ली से बहुत से डॉक्टर ट्रीटमेंट करवाया ऑलरेडी। मतलब मैं इसमें कम से कम 1 लाख रुपए मैं अपना वेस्ट कर चुका हूँ सिर्फ टेस्टिंग टेस्ट वगैरह में। पर कुछ आता नहीं था, कुछ होता तो आता। एलोपैथिक टेस्ट जो है, हाँ, तो मैं MRI वगैरह करवाया, मतलब कोई टेस्ट छोड़ा ही नहीं है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया बट कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि उसने उसको शुरू से इंटरेस्ट था इन चीज़ों में कि जैसे हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो इन चीज़ों सर्च करता रहता था। तो उसने ट्रेनिंग की भी की, NLP की ट्रेनिंग की किसी अच्छा ट्रेनर से। अच्छा तो उसके बाद आता जाता रहता, उसने मेरी कंडीशन देखी कि यार मेरी कंडीशन तो बहुत वियर्ड है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, किसी रियलिटी के पास नहीं जाता था, किसी से बात भी नहीं करता था। और मुझे कोई शादी होती या कुछ खुशी का कोई मौका था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं साइड में बैठ जाता या इग्नोर ही कर देता था वहाँ पे। अगर मेरे को कभी कई बार कभी कोई फैमिली फोर्स करती जाने को तो मैं जाता नहीं था वहाँ पे, एक्सक्यूज़ ना देता या छोड़ के आ जाता। तो वो भी सोचते थे कि यार पता नहीं इसको क्या हो गया कि ये मतलब इन्वॉल्व ही नहीं होता कोई एक्टिविटी में। घर की कोई एक्टिविटी होती तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रदर की शादी हुई तो कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो फिर फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यू हैव टू, रियल ब्रदर की शादी। हाँ, अच्छा तो फिर फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यू हैव टू डू NLP, मतलब यू ट्राई कर तो इसका फ़ायदा होगा तुम्हें। तो मैंने जब उसने मेरे को NLP वर्ड बोला तो मुझे NLP का कुछ पता नहीं था, उसने थोड़ा सा बताया तो मैंने गूगल पे सर्च किया, पढ़ा थोड़ा इसके बारे में। तो फिर ट्रेनर के लिए सर्च किया तो रंजीत जी का इनका मैंने नंबर लिया क्योंकि इन्होंने साइट पे डाला हुआ था। तो NLP पर चेंज इनका जो साइट आता है वहाँ पे इन्होंने अपना नंबर छोड़ा हुआ, तो इनसे बात की, इनको मैंने जो अपने इशू थे वो बताए। इन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला दिया कि हाँ आपके कोई इशू बड़े नहीं है, तो आप NLP ज्वाइन करोगे तो आप निकल जाओगे इनसे। तो मैंने लास्ट ईयर 23 फरवरी 2013 में, तो इनका सेशन था यहीं पे संस्कृति केंद्र में, तो मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे को जो मेरा इंसिडेंट था कि मेरे को पेस्टिसाइड से बहुत बड़ा फोबिया था, कि जिस साइड पेस्टिसाइड होता तो मेरे को तो मेरा सांस फूल जाता देख के। मैं पेस्टिसाइड्स कहाँ पर, मतलब? कहीं पे भी घर पे खेत में अच्छा कहीं पे देख लेता था तो उसका बॉक्स भी देख लेता था ना, तो हाँ मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी सांस फूलना। तो मेरे को लग रहा था कि बस ये मेरे को इनहेल हो जाएगा और मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि इंसिडेंट ही ऐसा हुआ था कि मैं गाड़ी में जा रहा था तो एकदम से मेरे को वॉमिटिंग भी नहीं हुई, मतलब सांस लेने में दिक्कत सी हो गई, पेट में दर्द होना शुरू हो गया और मतलब कुछ ऐसे ही अनकॉन्शियस सा हो गया कि मेरे को कुछ सुध नहीं थी। तो डॉक्टर के पास लेके तो उसने बोला कि इसने कुछ पॉइजन वगैरह खाया है। तो मैंने कुछ खाया नहीं था, तो बाद में यही उसने निकाला कि इसने इनहेल हो गया होगा कहीं से, तो इसको पता नहीं है। तो वो मन में बैठ गया कि हाँ मेरे को पेस्टिसाइड से प्रॉब्लम हुई है, जबकि मैं गाड़ी में था, बंद गाड़ी में। तो जस्ट एक डॉक्टर ने माइंड सेट कर दिया कि वो इसको इससे दिक्कत हुई है, क्योंकि उसने रिपोर्ट जो निकाली जो हम लेते हैं ना कि हाँ भी जो उसने एनालिसिस किया है कि क्या इश्यू था, नहीं बताया कि इसको पॉइजन वगैरह की दिक्कत थी। तो ICU में रखा 4-5 दिन, तो उसके कारण फिर माइंड में ये होगा कि मेरे को उससे प्रॉब्लम है और मेरे को उससे उसको अवॉइड करना है। तो मैं जब इनके पास आया, इनको मैंने ऑलरेडी सेशन रंजीत से, जी के पास? हाँ ऑलरेडी सेशन से पहले मैंने इनको बोला था कि मेरे को ये दिक्कत है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया था मेरे को कि हाँ ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे इनको दिक्कत बताई, सेशन ज्वाइन किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने जैसे यहाँ पे पूरी टेक्निक्स बताई, जो स्ट्रेस टेक्निक थी वो बताई, ये जो हमारा एसोसिएशन डी एसोसिएशन हो गया, डी फ्रेमिंग,
सब चीज़ें बताई। तो जब मैंने इनको किया, इन पर काम करना शुरू किया, तो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा। जब मैं यहाँ से 2 दिन के बाद गया ना, तो मैं जब आया था तो मैं बुझा बुझा सा था कि मेरे को जैसे मतलब किसी से बात ही नहीं करनी। और मैं यहाँ तक बठिंडा से यहाँ तक ट्रैवल करके मैं डर डर गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जो मेरे फोबियाज थे कि पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। बट एक दिन जब सेशन जाएंगे ना, शाम को मेरे को इसका बेनिफिट लगा। मेरे लिए तो पूरा एक मतलब लाइफ चेंज मेरे लिए एक्सपीरियंस है एनएलपी का। तो 2 दिन बाद जब मैं फ्रेंड को मिला, जिसने मेरे को ये रेफरेंस दिया था, वो उसने देखा कि आई वॉज स्माइलिंग, उसने बोला कि आपको भी एनएलपी का असर हो गया। तो उसके बाद जितने भी मेरे इश्यूज थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो गए। फोबियाज थे जो जो मेरी जैसे डर थे मन में, और ये स्ट्रेस वगैरह का था, घर में फैमिली के साथ दिक्कत थी कि मैं जाता नहीं था कहीं पे, तो मैंने जाना शुरू कर दिया, मेरे को अच्छा लगने लगा ये सब चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे 6 महीने में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, मतलब जो मेरे इशू थे वो 40 से 50% तक सॉर्ट आउट हो गए थे। अब 1 साल बाद मैं देखता हूँ, मैं आप एक फिर आपने फिर सेशन अटेंड किया हाँ है एक साल सेकंड बाद टाइम? देखता हूँ तो मैं 60% तक मैंने मेरे सारे इश्यूज रिजोल्व हो गए हैं। अब मैंने दोबारा इसीलिए ज्वाइन किया कि जो मेरे इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, मैं उनको और कैसे ढंग से मतलब उनको 100% तक कैसे रिजोल्व कर पाता हूँ, इसलिए मैं ये दोबारा सेशन ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जब सेशन दोबारा किया है, इससे कुछ और भी और क्या काफ़ी कुछ मेरे को नया सीखने को मिला। तो जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा 40% अभी भी जो है इश्यूज, तो वो नेक्स्ट 3 मंथ तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आपने बताया जैसे आपने करीब 1 लाख के करीब आपने स्पेंड करा, हाँ हाँ तो अब जब आप उस वक्त को सोचते हो यार, और मैं सोचना नहीं चाहता उसमें, क्योंकि पुरानी चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहता। अच्छा, आपको लगता है कि वो एनएलपी एक्सपीरियंस था एक, एक्सपीरियंस है? हाँ वो यही होगा कि मैंने 1 लाख जो स्पेंड किया है वहाँ पे, वो है तो वेस्टेज ही, बट उसके बाद जब मैं एनएलपी में आया तो वो मेरे को पूरा मेरे लिए वो कुछ मायने नहीं रखता 1 लाख। आपको लगता है आप पहले आ जाते शायद, ऐसा हाँ ये लगता लगता है, पहले कुछ सर्च करते कोई बता पाता, क्योंकि मैं बठिंडा से बिलोंग करता हूँ तो उधर लोगों को इतना पता नहीं है एनएलपी के बारे में। तो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो फ्रेंड सर्कल वो इधर एनसीआर में है, तो उनको ये चीज़ें पता लगती रहती हैं, तो उन्हीं के थ्रू मैं ये चीज़ मतलब एनएलपी वगैरह का पता लगा, इसके ऊपर सर्चअप किया और सेशन ज्वाइन किया। आगे एनएलपी के लिए कुछ आपने और जैसे कुछ सोचा है फ्यूचर में, मतलब जैसे क्या सोचते हैं आप, प्रैक्टिस करते रहेंगे फ्यूचर में टेक्निक्स मैंने ये और सोचा है कि मेरे को प्रैक्टिशनर का करना है, और जो प्रैक्टिशनर कोर्स जो है वो हाँ वो करना करना है, और जो लोग मेरी तरह मतलब इश्यूज़ वगैरह हैं, जिनको जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको गाइड करना है और उनको निकालना है इन चीज़ों से उनको, क्योंकि वो अभी तक क्या है कि वो सिर्फ डॉक्टर तक ही लिमिट है इन चीज़ों के लिए। उन्हें पता है कि ये इशू है और डॉक्टर से सॉर्ट आउट होता था, बल्कि ये चीज़ें एक्चुअल में रियल में ये डॉक्टर के बस की नहीं है ये चीज़, क्योंकि इनके लिए भी टेक्निक्स हैं, तो टेक्निक्स नहीं एनएलपी। अच्छा, आपने पहले जब एनएलपी किया, हाँ पहला आपका जो फाउंडेशन कोर्स था वो आपने रणजीत जी के साथ किया, हाँ उसके बाद आपने सेकंड बार जब एनएलपी किया वो फिर आपने रणजीत जी के साथ किया, हाँ जी तो कुछ कहना चाहेंगे आप रणजीत जी के बारे में? नहीं, वो ये है कि थोड़ा एक मतलब वो कंफर्ट में लेके चलते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं, मतलब जो आप भी कैंडिडेट्स हैं। दूसरी बार भी वापस हाँ आए हैं तो वो तो कॉन्फिडेंस इसलिए हुआ क्योंकि जब आप देखो एक बार सेशन किया आपने, और आपके जो लास्ट 2.5 ईयर के इश्यूज थे वो आपके एक सेशन से सॉर्ट आउट हो रहे, 60% तक सॉर्ट आउट हो गए। तो अब आप लो यही चाहोगे कि आप वहीं पे दोबारा जाओ, जो आपके 40 पे पेंडिंग है, थोड़ा उस पर और एफर्ट लगाओ, तो वो भी रिकवर होंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस और एक क्या कह सकते हैं कि बिलीव, फेथ। हाँ तो मतलब वो ऐसा क्या खास है उनमें कि या कुछ ऐसी क्या बात है नहीं, जिसकी वो वजह थोड़ा से? ग्राउंड लेवल पे होके चलते हैं, अच्छा, थोड़ा लोग पहले पूरे इश्यूज सुनते हैं, समझते हैं, फिर उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं, फिर उनको हमारे हमें बताते हैं कि उनका सलूशन क्या है और आपको क्या करना है। वो जो क्वेश्चनेयर बनाते हैं वो कैंडिडेट की प्रॉब्लम के ऊपर बनाते हैं, वो ना कि एक कोर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि मुझे ये कोर्स है और बस, ये वो कहते हैं ना कि एक बुक है इसमें ये लाइन दी हैं कि आपको एनएलपी में ये करना है, जैसे हम कुछ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।
वो प्रॉब्लम को समझें और उसके ऊपर ही वर्कआउट तैयार करते हैं और उसको ही लागे उसी की ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू सो मच, और ओके आपने सब बातें शेयर करी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक्स अ लॉट एंड 100% आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी डेफिनेटली होंगी। सो